नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अर्पित। दर्शकों, रोज हम लेकर आते हैं आपका दैनिक राशिफल। बताएंगे आज क्या नया होने वाला है आपके दिन में, आपका दिन अच्छा होगा, साथ ही क्या लाभ दिलाएगा। बताएंगे आपकी परेशानियों से बचने के कुछ आसान से टिप्स आपके इस पसंदीदा कार्यक्रम गुड लक टिप्स में। दर्शकों, क्या करना है आपको आज के दिन को सफल बनाने के लिए, साथ ही क्या कहता है आज का आपका दैनिक राशिफल, इसे बताने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिष आचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। दर्शकों, आप सभी पंडित जी से जान सकते हैं आपकी परेशानियों और मुश्किलों से निकलने का हल बस कुछ आसान से उपायों के साथ। उसके लिए बस आपको हमें कॉल करना होगा, हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होता रहेगा। कॉल करने के साथ बस आपको हमें अपना नाम, जन्म की तारीख, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताना है। तो बस देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और कर दीजिए हमें कॉल। चलिए उससे पहले जान लेते हैं क्या कहता है आपका आज का दैनिक राशिफल। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का मां, लक्ष्मी का मां, बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आइए जानते हैं कि कैसी रहेगी आज के दिन आपकी ग्रहों की चाल, आपके सितारों की चाल। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, सब पे चर्चा करेंगे। साथ ही जानेंगे शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी, अष्ट लक्ष्मी को प्रसन्न करने वाला एक पावर मंत्र। तो शुरुआत करते हैं आज के दैनिक राशिफल के साथ में। प्रथम जो राशि वह है मेष राशि। मेष राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज दफ्तर और घर यानी व्यापार के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में, पर्सनल लाइफ में आज खुद को कड़वी या जरूरत से ज्यादा बात सुनने के लिए आपको तैयार रहना है। समय के प्रवाह के साथ जो जैसा होता है उसे वैसा ही होने दीजिए, इससे आपके मन का जो बोझ है वो कम होता जाएगा। आज के दिन की सफलता के लिए तुलसी के पौधे के समक्ष शुद्ध देशी घी का दीपक जलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन आपको शुभ परिणाम देने वाला रहेगा। मन में जो आज विचार आएंगे अच्छे होंगे, लेकिन बेहद चुनौतीपूर्ण भी हो सकते हैं। अपनी इमोशंस को, अपनी भावनाओं को, अपने मन में आते शब्दों को थोड़ा सा कंट्रोल में रखिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए किसी छोटी कन्या के चरण छूकर दिन की शुरुआत कीजिएगा। अगली जो राशि मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज कुछ नया करिएगा, क्योंकि आज जो भी आप करेंगे उसमें आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। यू हैव टू कंसंट्रेट ऑन योर वर्क। आज यदि आप अपने काम के ऊपर फोकस करते हैं, कंसंट्रेट करते हैं, तो बड़े आसानी से आपके काम और बड़ी जल्दी से पूरे हो जाएंगे। अपनी समझ पर, अपनी योग्यता पर विश्वास कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। आज के दिन की सफलता के लिए छोटी कन्या को लिखने की सामग्री भेंट कीजिएगा, दिन बहुत बढ़िया गुजरेगा। पंडित जी, आगे की राशियों की तरफ बढ़ने से पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़ी हैं, सुलोचना जी हैं ब्यावर से। इनके जन्म की तारीख है 14/1978 और इनके जन्म का समय है पंडित जी रात्रि का 10:30 से लेकर 11 के बीच का। सुलोचना जी, बहुत बहुत स्वागत है, सवाल पूछिए। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण बेटा, सवाल पूछिए सुलोचना जी। ये मेरे वापस कोई बच्चा नहीं हूँ लग रहा है। मैंने काफी इलाज करवाया, डॉक्टर का भी करवा लिया, देवी देवता का भी करवा दिया, को डॉक्टर कहते हैं कोई खराबी नहीं है। देखो बेटा, सुलोचना, आपकी जन्म कुंडली में जो समस्या है उसको मैं आपको बता देता हूँ। आपकी जन्म कुंडली में संतान घर का जो स्वामी है शनि, वो सूर्य के घर में बैठा है। इंटरचेंजेबिलिटी हो रही है, यानी आपकी कुंडली में संतान का योग नहीं के बराबर आता है। सूर्य शनि के घर में बैठ गया, पितृदोष बना देता है। साथ में मंगल नीच का होकर बैठा है। निश्चित तौर पे अगर आप थोड़े से सरल से उपाय करें तो संतान सुख आपको प्राप्त हो सकता है, इसमें कोई दुराय नहीं है। एक कांसे का बाटका लीजिएगा, नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, हमारे पास थोड़ा समय कम होता है तो जल्दी जल्दी बताएंगे। एक कांसे का बाटका ले लीजिएगा, उस बाटके में सरसों का तेल भरिएगा। तेल भरने के पश्चात तो उस बाटके में, उस तेल में अपने चेहरे की परछाई देखिएगा। फिर उस तेल को ले जाके पास में शनि मंदिर हो वहाँ पे एक मिट्टी के दीपक में उस तेल को डाल के लंबी बत्ती बना के उसको जला दीजिए।
कम से कम 11 शनिवार आपको ये करना है, हर शनिवार को। पास में कोई ऐसी जगह हो जहाँ गौ माता हो और अपने बछड़े या बछड़ी को दूध पिलाती हो, उस वक्त वहाँ जाकर गौ माता की परिक्रमा करें, गौ माता की सेवा करें और इस प्रार्थना के साथ में कि हे गौ माता, जिस प्रकार आप अपने संतान को लाड लड़ा रही हैं, दूध पिला रही हैं, ठीक उसी तरह का सौभाग्य आप मुझे भी प्रदान करें। हमारा आज से अगर देखेंगे आपको YouTube पे मिल जाएगा, एक हमने पूरा इस पर एपिसोड बताया था, एक षष्ठी देवी का स्त्रोत है। वो षष्ठी देवी का स्त्रोत यदि आप सुबह दिन में रात को पढ़ती हैं, दिन में 3 बार, निश्चित तौर पर गर्भ धारण करने की जो योग्यता है वो आप हासिल कर लेती हैं। उसके साथ में अपने पितरों के नाम का देशी घी का दीपक पानी के मटके के पास में जहाँ परिंडा बोलते हैं वहाँ पर नियमित रूप से जलाइए। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, भगवान विष्णु की आराधना करते हुए केले के पौधे और तुलसी के पौधे की समक्ष 11-21 परिक्रमा रोज कीजिए। 6 महीने के अंदर आप गर्भ धारण करेंगे अगर आप ये सरल से उपाय अपनाती हैं, और हमारा शुभ आशीर्वाद बेटा आपके साथ है। तो दर्शकों, अगर आपको भी कोई समस्या है जिसका आप समाधान जानना चाहते हैं तो अभी हमें कॉल कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर जो कि लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। पंडित जी, अभी के लिए अजमेर से भी एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, शिवराम जी हैं, जिनके जन्म की तारीख है 30/1/1998 और जन्म का समय है 7:30 PM का। शिवराम जी, बहुत बहुत स्वागत है, सवाल पूछिए। पंडित जी, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। पंडित जी, मेरे करियर के बारे में जानना चाहता हूँ, मेरी नौकरी वगैरह संभव है या नहीं? अभी क्या करते हैं? मैं अभी तो स्टडी कर रहा हूँ। कौन सी क्लास में? मैं बीए कर रहा हूँ, आईटीआई करा हुआ हूँ, बीए कर रहा हूँ। देखो ऐसा है शिवराम, आपकी कुंडली में शनि की महादशा अभी मई 2016 से शुरू हुई, पिछले साल शनि की महादशा और शनि का अंतर 19 साल के शनि की महादशा शुरू हुई। शनि में शनि का अंतर बहुत ज़्यादा शुभ परिणाम नहीं देता है। शनि में शनि का अंतर आपका जो खत्म होगा मई 2019 में, मई 2019 के पश्चात शनि की महादशा बुध के अंतर जो 2022 तक चलेगा वो आपके जीवन का सर्वश्रेष्ठ पीरियड होगा। उस पीरियड में आपकी सरकारी नौकरी लगने की पूरी पूरी संभावना है, लेकिन मई 2019 के पश्चात में। आपकी कुंडली अच्छी है, कुंडली में चंद्र मंगल योग बना हुआ है, उसके साथ में चंद्र गुरु गज केसरी योग बना हुआ है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन आपका जो दिमाग में कन्फ्यूज़न है, उच्चाटन है, जो आप डिसीजन लेने में कन्फ्यूज़्ड होते हो, उसके ऊपर वर्कआउट करने की ज़रूरत है। आपकी सोच आपका शत्रु बनती है, अपनी सोच में स्थिरता लाइए, स्टेबिलिटी लाइए। लोहे का छल्ला एक मध्यमा उंगली के अंदर शनिवार के दिन धारण कर लीजिए। नियमित रूप से सूर्य भगवान को जल का अर्घ प्रदान कीजिए। गायत्री मंत्र का सुबह 11 बार 21 बार जाप कीजिए और कंपटीशन की तैयारी कीजिए। आने वाला समय निश्चित तौर पे आपको नौकरी की तरफ ले जाएगा। पंडित जी, के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्राची हैं, ब्यावर से। इनकी जन्म की तारीख है 6/11/1988 और इनके जन्म का समय है रात्रि का 10:06 का। प्राची जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, सवाल पूछिए। जी गुरु जी नमस्कार। जय श्री कृष्ण। जी गुरु जी, मुझे अपने करियर के बारे में पूछना है। मुझे जॉब नहीं लगी है, मैं 2.5 साल से मतलब ट्राई कर रही हूँ, और मेरे विवाह के बारे में भी पूछना है मुझे, कैसा रहेगा वैवाहिक जीवन? देखिए बेटा प्राची, आपकी जन्म कुंडली में लास्ट 18 ईयर से राहु की महादशा चल रही है। ये स्टार्ट हुई है नवंबर 1999 से, 1999 नवंबर से शुरू हुई। अब ये इस साल 8 नवंबर 2017 को राहु की महादशा खत्म हो रही, इसी वर्ष 8 नवंबर 2017 को। उसके पश्चात गुरु की महादशा शुरू हो रही है, आपके जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय, क्योंकि आपके दाम्पत्य जीवन का जो स्वामी है, नौकरी के घर का जो स्वामी है, वो है देव गुरु ब्रह्मा बृहस्पति। उनकी जो महादशा है वो इस साल 8 नवंबर 2017 से शुरू हो रही है। राहु जो है इट्स बिहेव लाइक ए स्नैक, सांप कैसे चलता है, टेढ़ा चलता है। राहु इट्स क्रिएट अनवांटेड हर्डल्स, जो काम आज होना है वो 10 दिन बाद होता है। आफ्टर पुटिंग 200% एफर्ट्स वी विल गेट ओनली 100% रिजल्ट, ये राहु है। तो आप उस नेगेटिव पीरियड में आपने अपना पूरा बचपन निकाल दिया। टचवुड, अब जो आपका 2018 से आपका जो पीरियड शुरू हो रहा है दैट विल बी द बेस्ट पीरियड, 16 ईयर, एज पर करियर एस्पेक्ट, एज पर पर्सनल रिलेशन एस्पेक्ट, एज पर मैरिज एस्पेक्ट, एवरीथिंग इज वेरी गुड। 2 प्रॉब्लम आपकी जन्म कुंडली में, सूर्य नीच का है और शुक्र नीच का है। तुरंत प्रभाव से एक पन्ना रत्न सीधे हाथ में सबसे छोटी उंगली में धारण करें। ध्यान रखिएगा, जीवन में कभी आपको डायमंड नहीं पहनना है, पन्ना रत्न पहनिए, खूब हरा पहनिए, खूब हरा खाइए, हरे कपड़े पहनिए, हरी चद्दर पे सोइए, सूर्य भगवान को नियमित रूप से जल चढ़ाइए। यदि आप चाहते हैं जीवन में मान सम्मान प्राप्त हो, प्रतिदिन सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं।
तो सरल से उपाय कीजिएगा, फायदा होगा। वजन के बराबर गुड़ का दाना अवश्य कराइएगा। पंडित जी, अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ी है, नीलम है बयाना से, जो कि अपने पुत्र गौरव के लिए जानना चाहती है। इनके जन्म की तारीख है 10/4/1991 और जन्म का समय है शाम का 7:11 का। नीलम जी, बहुत बहुत स्वागत है, सवाल पूछिए। पंडित जी नमस्कार। जय श्री कृष्णा। पंडित जी, मेरा बेटा है के लिए पूछना था, एक तो उसकी शादी का पूछना है, बहुत जल्दी शादी हो जाएगी, काम धंधे के लिए पूछना था कि काम धंधा क्या करे। आप बहुत जल्दी शादी हो जाएगी, सबसे पहले जय श्री कृष्णा बोल दीजिए आप। हाँ जी, कब तक होगी? पहले जय श्री कृष्णा बोल दीजिए आप। जय श्री कृष्णा। आदत हो गई हमारी नमस्कार करने की, लेकिन शायद अगर भगवान का नाम सुबह सुबह ले लें तो निश्चित तौर पे हमारा दिन सफल हो जाता है। माफ़ कीजिएगा, मैं किसी को मजबूर नहीं करता हूँ, लेकिन मन करता है इसलिए आप लोगों से बातें कर लेता हूँ। गुरु की महादशा आपके बच्चे को चल रही है, उसमें भी बुध का अंतर चल रहा है, लेकिन इस बच्चे की जन्म कुंडली में कालसर्प दोष है, माला योग है। ऐसा माला योग जवाहरलाल नेहरू की कुंडली में हुआ करता था, बड़ा ही शुभ योग है इस बच्चे की कुंडली के अंदर, लेकिन उस शुभ योग के आगे और पीछे सांप बैठ गया है, नाग बैठ गया है। यदि आप चाहते हैं कि इस बच्चे के जीवन में सब कुछ अच्छा रहे, वैवाहिक जीवन अच्छा रहे, उसके साथ साथ में करियर अच्छा रहे, तो आप एक बार इस बच्चे की कालसर्प दोष की पूजा उज्जैन या नासिक जाके करवा दीजिएगा। भाग्य स्थान का जो स्वामी है बुध, वो अस्त है, पन्ना रत्न सीधे हाथ में धारण कराइए, खूब हरे कपड़े पहनाइए, हरी सब्जी खिलाइए, वजन के बराबर गुड़ का दान साल में एक बार गौशाला में करवाइए। रही बात जहां तक विवाह की, तो हमें लगता है कि इसका विवाह इस वर्ष के अंत और अगले वर्ष की शुरुआत में निश्चित तौर पर हो रहा है। कुंडली में सब कुछ अच्छा है और माता रानी के आशीर्वाद से, भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से ये बच्चा काफी तरक्की करेगा, आपका नाम रोशन करेगा। तो चलिए दर्शकों, भी के आगे बढ़ते हैं, अब जान लेते हैं आज क्या कुछ खास है कर्क सिंह और कन्या राशि वाले जातकों के लिए। चलिए बात कर लेते हैं कर्क राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं। व्यापार के क्षेत्र में, कार्य के क्षेत्र में आज मनो अनुकूल लाभ होगा, मन के अनुसार लाभ होगा, धन का लाभ होगा, पद का लाभ होगा, सम्मान का लाभ होगा, कुल मिलाकर आज का दिन अच्छा रहेगा। लेकिन जानबूझकर आप बैल मुझे मार वाली कहावत को चरितार्थ नहीं करना है, दूसरों के साथ विवाद झंझट में नहीं पड़ना है, झगड़े में नहीं पड़ना है। आज के दिन की सफलता के लिए गणेश भगवान को दुर्वा चढ़ाकर दिन की शुरुआत कीजिएगा। अगली जो राशि, सिंह राशि, जीवन की गति में तेजी आती हुई महसूस करेंगे, अपने लक्ष्यों के लिए बेहद उत्सुक हो सकते हैं, समय भी आपके फेवर में रहेगा, जहां जैसा प्रयास करेंगे थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट्स के बाद सक्सेस आपको मिल जाएगी। आज के दिन की सफलता के लिए माता के मंदिर में चुनरी और श्रृंगार सामग्री अर्पण कीजिएगा। अगली जो राशि, कन्या राशि, फाइनेंशियल सिचुएशन में सुधार आने की संभावना है, जल्द ही आपको धन कमाने के नए अवसर भी मिल सकते हैं, आपकी जो विनम्रता है, व्यवहार कुशलता है, वो शुभ फल प्रदान करेगी, किसी जरूरतमंद को दवाइयों का दान कर दीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। तो दर्शकों, फिलहाल के लिए वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, जल्द वापस हाजिर होते हैं आपके इस पसंदीदा कार्यक्रम में। गुड लक टिप्स में।